हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीसीडी कंप्लीट कोर्स डेस्टिनेशन। स्वागत है आपकी अगली क्लास में। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट की थी और आज हम कंप्लीट करेंगे एक्सरसाइज 1.4। इसी के साथ आपका फर्स्ट चैप्टर इंटीजर्स कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो मूव ऑन करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे कि आपकी एक्सरसाइज 1.4 में क्या है, देखते हैं। पहले हमने मल्टीप्लिकेशन पढ़ लिया था, एडिशन पढ़ लिया था इंटीजर्स का, सब्ट्रैक्शन पढ़ लिया था। ठीक है, अब हमारा टॉपिक क्या है, डिवीजन का। डिवीजन पढ़ेंगे, इस पूरी एक्सरसाइज डिवीजन पे बेस्ड होगी। ठीक है, ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज डिवीजन पे बेस्ड होगी। देखो, पहला क्वेश्चन कराने से पहले, एक्सरसाइज 1.4 को पहला क्वेश्चन कराने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ इसमें, कि डिवीजन के बारे में, कि कोई नंबर किसी चीज़ से डिवाइड करते हैं तो उसका क्या क्या होता है प्रॉपर्टी। सबसे पहले, जीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड करें, किसी भी नंबर से, चाहे 1000 हो, 10000 हो, या इन्फिनिटी में कोई भी नंबर हो, या 1 लाख तक हो, कोई भी नंबर हो, अगर उसको ज़ीरो को उस नंबर से डिवाइड करेंगे ना, मतलब कि मेरे कहने का मतलब है कि ज़ीरो ऊपर आएगा और नीचे में कोई भी नंबर हो, ठीक है, तो उसका आंसर हमेशा का हमेशा ज़ीरो आएगा। एक ये चीज़ आपको याद रखनी है, और एक और चीज़ याद रखनी है कि कोई भी नंबर हो, 19 हो, 20 हो, 51 हो, या 71 हो, या कोई भी नंबर हो, अगर इनको डिवाइड करते हैं ना 1 से, तो उनकी वैल्यू सेम आती है। 19 डिवाइड बाय 1 इज़ इक्वल टू 19, 20 डिवाइड बाय 1 इज़ इक्वल टू 20, 51 डिवाइड बाय 1 इज़ इक्वल टू 51, 71 डिवाइड बाय 1 इज़ इक्वल टू 71। तो आप लोग समझ गए होंगे कि इसका मतलब क्या है, कि 1 से अगर किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, और 0 से, 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो 0 की वैल्यू भी 0 रहती है। ठीक है, ये दो चीज़ें आपको हमेशा याद रखनी है इसमें। ठीक है, इसके बाद मूव ऑन करते हैं आपकी एक्सरसाइज पे, कि आपकी एक्सरसाइज क्या कहती है। देखो, उसने पहले एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, उसको सॉल्व करना है। तो इसका फर्स्ट पार्ट देखिए कैसे सॉल्व करना है। -30 डिवाइड बाय, क्या बोल रहा है, -30 डिवाइड बाय किससे, 10 से करो। तो इसको हम लिख सकते हैं, देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, -30 ऊपर और 10 नीचे। इसको ऐसे लिख सकते हैं, -1 ऊपर और यहाँ पे 30 और डिवाइड बाय 10। 10 से 30 जाएगा तो 3 आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ गया, -1 बचा, -1 बचा, और यहाँ पे क्या बचा, 3 बचा, तो इसकी वह आंसर क्या आ जाएगा, -3। इसको आप डायरेक्ट भी काट के लिख सकते थे, 10 3 30 और -1। ठीक है, तो -1 लिखने की ज़रूरत नहीं थी, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए किया था कि जैसे मल्टीप्लिकेशन में एक नेगेटिव को और एक पॉजिटिव को मल्टीप्लाई करते थे तो आंसर हमारा नेगेटिव आता था, उसी तरह से डिवीज़न में क्या होगा कि एक नेगेटिव हो और एक पॉजिटिव हो, अगर दोनों को डिवाइड करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि नेगेटिव ऊपर है या नीचे है। ठीक है, अगर दोनों में से एक टर्म नेगेटिव है और एक टर्म पॉजिटिव है तो आपका आंसर हमेशा नेगेटिव आएगा, याद रखना इसका। आपकी सारी प्रॉपर्टीज़ जो मल्टीप्लिकेशन में यूज़ हुई थी वो यूज़ होंगी, और बस ये याद रखना कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इसमें अलग होंगी और उसमें अलग होंगी, इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ नहीं लगेंगी, वो हम डिस्कस करेंगे इसी क्वेश्चन इसी अभी, मतलब हम ये एक्सरसाइज में सारी आपकी वो आ जाती हैं, सारी डिस्कशन हो जाएंगी। सेकेंड पार्ट क्या कहता है, 50 डिवाइड बाय -5। मैंने आपको पहले ही बताया ना कि माइनस, दोनों में से एक माइनस हो, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, तो आंसर माइनस में आएगा। तो इसको लिख सकते हैं 50 डिवाइड बाय 5, यहाँ पे माइनस लिख देते हैं, एक ही माइनस है इसीलिए, यहाँ पे आ गया आपका -5 आंसर, नहीं -10। 5 × 10 = 50 होता है, तो माइनस तो था ही, 5 के साथ में माइनस था ही, तो चाहे ऊपर हो चाहे नीचे माइनस हो, आपका आंसर माइनस में आएगा, बताया था बिल्कुल। इसके बाद देखिए बाकी सारे के सारे क्वेश्चंस, हाँ देखिए एक क्वेश्चन और देखिए, ई फिफ्थ पार्ट देखिए इसका, ये था आपका बी पार्ट, ये था आपका ए पार्ट, अब देखिए आप कौन सा पार्ट, ई पार्ट देखिए। ई पार्ट में क्या कह रहे हैं, 13 डिवाइड बाय -2 + 1। अब देखो याद रखना, इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी नहीं लगेगी। कौन सी प्रॉपर्टी नहीं लगेगी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या करते थे हम, मल्टीप्लिकेशन में इसको इसके साथ अलग से मल्टीप्लाई कर लेते,
इसको अलग से मल्टीप्लाई कर रहे थे और दोनों को लास्ट में प्लस कर रहे थे, लेकिन इसमें ये प्रॉपर्टी नहीं लगेगी। तो इसको कैसे करेंगे, देखो 13 डिवाइड, माइनस टू का माइनस टू रहा, प्लस वन का प्लस वन रहा, इधर आ गया क्या 13 डिवाइड बाई माइनस टू में से माइनस प्लस वन गया तो माइनस वन बचा। अब 13 को माइनस वन से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस 13। ठीक है, वन से डिवाइड करेंगे तो बिल्कुल सेम रहेगा, लेकिन माइनस वन से माइनस आ जाएगा। ठीक है, आसान था, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी नहीं लगेगी। मैंने क्या बताया था, प्रॉपर्टीज साथ साथ में डिस्कशन होती रहेंगी, तो कौन सी प्रॉपर्टी नहीं लगेगी क्या बताया अभी, कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी नहीं लगेगी इसमें। आगे करते हैं, देखो ओके एच पार्ट करते हैं, देखो जी पार्ट आप खुद करना, सेम है जैसे ई पार्ट किया है वैसे ही जी पार्ट है। और जीरो से किसी भी नंबर को डिवाइड कर, जीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो आंसर जीरो आएगा। आपके एफ पार्ट में वो क्वेश्चन आ गया, देखो जीरो डिवाइड बाई माइनस 12 तो आंसर क्या आ जाएगा, जीरो। इसी तरह से जी पार्ट आपका ई पार्ट की तरह ही है, अंदर में ब्रैकेट खोलेंगे, माइनस को सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे, बाद में डिवाइड करेंगे। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर आपका, देखो एच पार्ट आपका क्या कह रहा है, देखो माइनस थर्टी सिक्स डिवाइड बाई 12 डिवाइड बाई 3। आपको याद है मैंने आपको बोर्ड मास बताया था, नहीं बताया था, ठीक है कोई बात नहीं, बोर्ड मास बताया था आई थिंक, ठीक है कोई बात नहीं। अगर आपको बोर्ड मास याद है, वी बोर्ड मास याद है तब भी ठीक है, नहीं याद है तब भी ठीक है। याद रखना हमेशा सबसे पहले ब्रैकेट्स खोलते हैं, ठीक है। सबसे पहले ब्रैकेट खोला तो यहाँ पे क्या आ गया, माइनस थर्टी सिक्स आ गया, -36 डिवाइड बाई 12, उसके बाहर बड़ा ब्रैकेट है, फिर डिवाइड बाई 3। इसको हम लिख सकते हैं -36 डिवाइड बाई 12, ये ब्रैकेट में है, फिर ये डिवाइड बाई 3 है, तो 12 3 से 36 आ गया, यहाँ पे आ गया -3 डिवाइड बाई 3, तो ये आ गया -1। आसान था, कुछ नहीं किया, बस ब्रैकेट सॉल्व करने हैं, उसके बाद में कोई ऑपरेशन लगाना है। ब्रैकेट बाहर निकाला, -36 आया, -36 डिवाइड बाई 12, 12 3 था 36 होता है तो -3 आ गया, देखो 12 3 था क्या होता है 36 होता है, तो -3 आ गया, और -3 को 3 से डिवाइड कर दिया, -1 आ गया, आसान था। अब देखो सेकंड क्वेश्चन, आप उसने पूछ ही लिया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी प्रूव करो कि ये इक्वल नहीं होती है, हमको क्या प्रूव करना है, ए डिवाइड बी प्लस सी इज नॉट इक्वल टू ए डिवाइड बाई बी प्लस ए डिवाइड बाई सी। इसका एक ही पार्ट कराऊंगा मैं, बाकी सारे पार्ट्स आप खुद करेंगे, बहुत ही आसान है, दो ही पार्ट हैं, एक पार्ट मैं कराता हूँ, एक पार्ट आप कर लेना, ये प्रूव करना है। फर्स्ट पार्ट उसने दिया क्या है, देखो फर्स्ट पार्ट दिया है ए इज इक्वल टू 12, बी इज इक्वल टू -4, सी इक्वल टू 2। ए इज इक्वल टू 12, बी इज इक्वल टू -4 एंड सी इज इक्वल टू 2, तीनों दिए हुए हैं, कुछ नहीं करेंगे, टेकिंग LHS एंड RHS, अलग अलग LHS RHS ले लेंगे, ठीक है, कुछ भी नहीं करना है इसमें। टेकिंग क्या लेंगे, टेकिंग LHS, LHS लिया, LHS क्या है, A डिवाइड बाई B प्लस सी, ए बी सी की वैल्यू पुट कर देंगे, 12 डिवाइड बाई B प्लस सी क्या हो गया -4 प्लस सी, सी की वैल्यू क्या है 2 है, तो ये क्या आ गया 12 डिवाइड बाई 4 में से 2 गया तो -2, और 12 डिवाइड बाई -2 इज इक्वल टू -6, ये आंसर आ गया। अब यहाँ पे टेकिंग RHS ले लिया हमने, RHS क्या है A डिवाइड बाई B प्लस A डिवाइड बाई C, A और A B C की वैल्यू पुट कर देंगे, A की वैल्यू क्या है 12 डिवाइड बाई B है तो नीचे लिख देंगे -4 प्लस A की वैल्यू है 12 और C की वैल्यू क्या है 2, ये आ जाएगा 3 -3 4 3 से 12 और माइनस है तो माइनस प्लस 6, ये आ जाएगा प्लस में 3, -3 है 6 में से गया तो प्लस 3। अब देखो इधर LHS इज नॉट इक्वल टू RHS आ रहा है, क्योंकि LHS की वैल्यू आपकी कितनी आ रही है -6, ठीक है, वहीं RHS की वैल्यू क्या आ रही है +3। देख लो इसमें कहीं गलत तो नहीं हुआ है, 12 डिवाइड बाई
बी प्लस सी माइनस फोर प्लस टू, माइनस फोर प्लस टू माइनस टू हो गया, 12 डिवाइड बाई -2 इज इक्वल टू -6। ठीक है, वैल्यू सही है, ए की वैल्यू 12, बी की वैल्यू -4, सी की वैल्यू 2। ठीक है, ए डिवाइड बाई बी, 12 डिवाइड बाई -4 और +12 डिवाइड बाई 2। ठीक है, बहुत ही है, सिंपल है, और ठीक है आपका आंसर निकल गया है। एल एच एस इज नॉट इक्वल टू आर एच एस, एल एच एस आर एच एस के इक्वल नहीं आ रहा है, तो ये प्रूव हो गया हमारा कि नॉट इक्वल टू बी के है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन भी देखिए, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखिए कैसे करना है। थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स है। 369 डिवाइड बाई डैश इज इक्वल टू 369, 369, 369 डिवाइड बाई डैश इज इक्वल टू 369 है, तो क्या हो जाएगा इसका, खुद सोचिए। 369 डिवाइड बाई 369 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आसान था। 369 को 369 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 1 आएगा। तो उसने वही तो पूछा है कि 369 को किससे डिवाइड करेंगे, नहीं, उसने पूछा है 369 को किससे डिवाइड करेंगे हम, सॉरी यहां पे क्या लिखा है उसने, 369 को हम किससे डिवाइड करेंगे, तो आपका आंसर 369 आ जाएगा। मैंने क्या बताया था, अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो सेम नंबर रहता है, उसके उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो वही आ जाएगा। इसी तरह ये सारे क्वेश्चंस आप फिल इन द ब्लैंक्स खुद करेंगे, बहुत ही आसान है। सारी प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको बता दी हैं कि कैसे कैसे इनको सॉल्व करना है। ठीक है, आगे चलते हैं आपके, देखो क्वेश्चन नंबर 4 देखो। राइट 5 पेयर्स ऑफ इंटीजर्स ए बी सच दैट ए डिवाइड बाई बी इज इक्वल टू -3, वन सच पेयर इज 6 -2 ए बी सच दैट ए डिवाइड बाई बी इज इक्वल टू -3। आपको कुछ पेयर्स लिखने हैं जिसमें ए डिवाइड बाई बी इज इक्वल टू -3 आना चाहिए, ए डिवाइड बाई बी इज इक्वल टू -3 आना चाहिए। उसने एक एग्जाम्पल दे दिया है कि ये है 6 और -2, ए की वैल्यू अगर 6 रखेंगे तो बी की वैल्यू अगर -2 रखेंगे तो वैल्यू -3 आएगी। इसी तरह देखो आप -6 और 2 भी रख सकते हैं फर्स्ट पेयर, उसके बाद आपको -3 लाना है ना, तो यहाँ पे 9 और -3, 3 3 9 होता है, इसके बाद -9 और 3, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे हमने साइन चेंज किया है, आंसर तो सेम रहेगा ना, 5 लिखने हैं उसमें बोला है, तो यहाँ पे आ जाएगा -12 किससे होता है, 4 3 12 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 12 आएगा, तो यहाँ पे -4 आ जाएगा, आपके 5 पेयर हो गए। देख लो उसने 5 पेयर पूछे थे, हमने 5 पेयर बता दिए। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं उसने क्या कहा है, पांचवा क्वेश्चन देखो, ये है थोड़ा इंटरेस्टिंग। अभी तक तो हमने सिर्फ क्या पढ़ा था, इसके बेसिक रूल्स पढ़े थे। द टेम्परेचर एट 12 नून वॉज 10 डिग्री सेल्सियस। उसने क्या बोला है, पांचवा क्वेश्चन देखो, उसने कहा है कि टेम्परेचर 12 बजे का टेम्परेचर कितना है, 12 बजे का टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर एट 12 नून कितना है, 10 डिग्री सेल्सियस। बिल्कुल 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, उसके बाद उसने क्या कहा है, 10 डिग्री सेल्सियस अबव 0, 0 से ज़्यादा है 10 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद क्या कहीं कहा है उसने, इफ़ इट डिक्रीजेज एट द रेट ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस पर आर अंटिल मिडनाइट, कि वो 2 डिग्री सेल्सियस की रेट से डिक्रीज हो रहा है, रेट ऑफ डिक्रीज कितना है, 2 डिग्री सेल्सियस माइनस में, मतलब कि वो गिर रहा है, टेम्परेचर गिर रहा है -2 डिग्री सेल्सियस हर घंटे गिर रहा है, इसमें कोई आपको शक नहीं होना चाहिए। इसको माइनस हमने क्यों लिखा है, ठीक है, रेट ऑफ डिक्रीज -2 डिग्री सेल्सियस इसलिए लिखा है, माइनस में इसलिए लिखा है क्योंकि ये गिर रहा है, टेम्परेचर नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है, इसीलिए हमने माइनस लिखा है। उसके बाद क्या बोला है उसने, मिडनाइट तक, अंटिल मिडनाइट मतलब रात के 12 बजे तक वो इस टेम्परेचर उसका कम हो रहा है, और कम होने का दर क्या है, -2 डिग्री सेल्सियस पर आवर, एक घंटे में 2 डिग्री सेल्सियस गिर रहा है। उसके बाद आगे क्या पूछा है कि 8 डिग्री सेल्सियस 0 से कम, ये क्या है, अबव
जीरो डिग्री से ज्यादा है ये, ठीक है, जीरो डिग्री से ज्यादा है, देखो जीरो डिग्री से ज्यादा है टेम्परेचर, अगर प्लस में लिखा है तो वो जीरो डिग्री से ज्यादा ही होता है। -2 डिग्री सेल्सियस मतलब हर घंटे में 1-2 डिग्री सेल्सियस गिर रहा है। अब उसने क्या बोला है कि -8 डिग्री सेल्सियस कितने बजे होगा, कितने बजे होगा, टाइम पूछ रहा है, टाइम पूछ रहा है ना, 8 डिग्री सेल्सियस का टाइम पूछ रहा है। तो देखो 8 डिग्री सेल्सियस का टाइम पूछ रहा है ना, तो पहले देखो कि 8 डिग्री सेल्सियस और 10 डिग्री सेल्सियस में कितना फर्क है। 10 डिग्री सेल्सियस -8 डिग्री सेल्सियस, अब 8 डिग्री सेल्सियस क्या है, माइनस में है, ठीक है, तो कितना डिफरेंस आ गया इसमें, इसमें लिखी, इसको लिखेंगे डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन टेम्परेचर्स। 10 डिग्री सेल्सियस माइनस -8 डिग्री सेल्सियस आ गया, माइनस कर दिया दोनों को, तो ये क्या आ गया, 10 डिग्री सेल्सियस +8 डिग्री सेल्सियस, क्या बताया था, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस होता है, तो आपका आंसर आ गया 18 डिग्री सेल्सियस, 18 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस है इसमें। अब उसने क्या कहा, रेट ऑफ डिक्रीज, अब 18 डिग्री सेल्सियस नीचे गिरना है टेम्परेचर, पर आर कितना डिक्रीज हो रहा है, -2, तो टाइम टेकन क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 18 डिग्री सेल्सियस डिवाइड बाई 2 डिग्री सेल्सियस, तो ये आ जाएगा आपका 9 आवर्स। 9 घंटे लग रहे हैं टेम्परेचर को गिरने में, अब 9 घंटे 12 बजे के बाद लग रहे हैं, तो कितने बजे हो जाएगा, कितने बजे हो जाएगा, 12 नून +9 आवर्स, ठीक है, ये कितना आ जाएगा, 12 + 9, 12 को हम क्या लिखते हैं, 0 0 हो जाता है, तो ये आ जाता है 12 + 9, 9 PM, रात के 9 बजे आपका टेम्परेचर जो है वो माइनस में 8 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा, 10 में से 18 डिग्री सेल्सियस नीचे गिरा दो तो माइनस में 8 डिग्री सेल्सियस 9 बजे आपका आ जाएगा, 9 घंटे लगेंगे उसको -8 डिग्री सेल्सियस में पहुंचने के लिए। अब इसके बाद अगला पार्ट क्या उसने बोला है, वट वुड बी द टेम्परेचर एट मिड नाइट, रात के 12 बजे कितना टेम्परेचर होगा, तो पहले देखो रात के 12 बजे मिड नाइट होने के लिए कितने आवर्स चाहिए उसको, 12 आवर्स, तो 12 आवर्स में कितना टेम्परेचर गिरेगा, 12 × 2 इज इक्वल टू 24 डिग्री सेल्सियस माइनस में, क्योंकि ये माइनस है, -24 डिग्री सेल्सियस गिरेगा, तो -24 डिग्री सेल्सियस गिरेगा तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, टेम्परेचर एट मिडनाइट मिडनाइट को टेम्परेचर क्या हो जाएगा आपका, 10 डिग्री सेल्सियस -24 डिग्री सेल्सियस, ये कितना आ जाएगा, -14 डिग्री सेल्सियस, रात के 12 बजे आपका माइनस में 14 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाएगा। इसी की तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमने क्या किया है उसने क्वेश्चन में, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, राधिका, राधिका ने एक पेपर दिया, उसके नंबर्स आए तो वही डिस्कस करेंगे हम, और मोहिनी ने भी पेपर दिया, उसके भी नंबर्स आए, वही डिस्कस करना है। देखो 6th क्वेश्चन क्या कहता है आपका, हम लिख लेते हैं राधिका, राधिका ने कितने नंबर लिए, राधिका के आए 20 मार्क्स, राधिका के 20 मार्क्स आए, और उसने सही क्वेश्चन कितने किए, सही क्वेश्चन कितने किए उसने, सही क्वेश्चन किए कितने उसने, उसमें लिखा है कि राधिका ने 12 क्वेश्चन सही किए, तो ये तो हो गए सही क्वेश्चन, ये हो गए गलत क्वेश्चन, सही क्वेश्चन के नंबर भी दिए हैं, सही क्वेश्चन के उसको नंबर मिले हैं +3 और गलत क्वेश्चन के नंबर मिले -2, याद रखना, ठीक है, 20 मार्क्स का क्वेश्चन था, सही क्वेश्चन कितने किए, 12 क्वेश्चन सही किए हैं, तो 12 क्वेश्चन सही किए तो उसको मार्क्स कितने मिले, 12 × 3 आ गया, 3 × 2 = 6, 3 × 1 = 3, 36 मार्क्स उसको मिले, कितने क्वेश्चन उसने गलत किए ये नहीं पता है, तो वही फाइंड आउट करना है। तो देखो उसके टोटल मार्क्स कितने हो गए, टोटल मार्क्स स्कोर्ड बाय राधिका,
कितने क्वेश्चन सही किए थे उसने, 12 × 3 36 मार्क्स हो गए। अब उसको मार्क्स मिले कितने हैं, 20 मार्क्स। ठीक है, 20 मार्क्स इन एग्जाम। ठीक है, राधिका गॉट 20 मार्क्स इन एग्जाम। तो कितने मार्क्स कम हुए, 36 माइनस 20, 16 मार्क्स कम हुए। अब 16 मार्क्स जो कम हुए हैं वो माइनस में है, ठीक है, माइनस में है। तो माइनस में 16 मार्क्स हैं, तो 16 मार्क्स जो कम हो रहे हैं 36 में से, वो क्यों कम हो रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन गलत किए होंगे उसने। कितने गलत किए हैं, 16 मार्क्स कम हो रहे हैं, तो 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 × 8 = 16, मतलब 8 क्वेश्चन उसने गलत किए हैं। अगर 12 क्वेश्चन सही किए हैं तो 8 क्वेश्चन गलत किए हैं। समझ में आ गया आपको ये क्वेश्चन कैसे किया। इसका अगला पार्ट देखिए, राधिका, राधिका के बाद मोहिनी, मोहिनी का भी ऐसे कर लेते हैं, बहुत आसान है। मोहिनी के मार्क्स कितने हैं, -5, वो तो 20 तक पहुंच गई है, ये माइनस में चली गई, कुछ भी नहीं पढ़ के गई थी, तो इसलिए कहता हूँ पढ़ के जाया करो। ये तो हो गया सही क्वेश्चन के प्लस मार्क्स 3 हैं, और ये हो गया गलत क्वेश्चन, गलत के हैं -2, इसके -5 हैं। इसने सही क्वेश्चन कितने किए हैं, 7, इसने सही कितने किए हैं, 7, पूछ रहा है क्या गलत कितने किए हैं। तो सेम ट्रिक, लिख नहीं रहा हूँ, आपने खुद लिख लेना। 7 क्वेश्चन सही किए हैं तो 7 × 3 टोटल मार्क्स कितने आए उसके, 21 मार्क्स आए थे, लेकिन मार्क्स कितने उसके पास हैं, -5। तो क्या करेंगे, डिफरेंस देख लेंगे कितना कटा है, 21 - 5 कितना हो जाएगा, 21 - -5 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 26 मार्क्स कम हो रहे हैं उसके। 26 मार्क्स क्यों कम हो रहे हैं, क्योंकि उसने गलत क्वेश्चन किए हैं। तो 26 डिवाइड बाई 2 कर देंगे, क्योंकि 2 मार्क्स कट रहे हैं एक क्वेश्चन के लिए, तो ये आ जाएगा 13। उसने 13 क्वेश्चन गलत किए थे और 7 ही क्वेश्चन सही किए थे, आसान था कॉन्सेप्ट, कुछ भी नहीं था इसमें, ठीक है। इसके बाद आपका एक ही क्वेश्चन रह गया है, 7th क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है 7th क्वेश्चन में, देखिए क्या करना है 7th क्वेश्चन में। बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है इसमें, मैंने आपको बता दिया, इसमें सिर्फ प्लस माइनस का हेर फेर आपको समझाना था और कुछ नहीं था, ठीक है। एक एलिवेटर है, एलिवेटर मतलब आप लिफ्ट मान सकते हैं, जिससे आप छत घर में जाते हैं या कहीं होटल वगैरह में जाते हैं, वहाँ पे लिफ्ट्स होती हैं, वहाँ पे वही लिफ्ट्स की जिक्र हो रहा है। ये है ग्राउंड लेवल, ग्राउंड लेवल है, ये है लिफ्ट, ठीक है। ग्राउंड लेवल से 10 मीटर ऊपर बोल रहा है कि वो लिफ्ट स्टार्ट होती है, यहाँ पे सीढ़ियाँ बनी होंगी मतलब, ठीक है। अब यहाँ पे लिफ्ट आपकी है, लिफ्ट यहाँ से जानी है यहाँ तक, नीचे तक, और ये जो डिस्टेंस है ना यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये है 10 मीटर का, ठीक है। और ये नीचे तक कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक का 350 मीटर। उसने पूछा है कि लिफ्ट की जो स्पीड है ना जाने की, वो बताई हुई है। लिफ्ट की स्पीड क्या है, 6 मीटर पर सेकंड, 6 मीटर पर मिनट, 6 मीटर पर मिनट है लिफ्ट की स्पीड। याद रखना लिफ्ट की स्पीड कितनी है, 6 मीटर पर मिनट। उसने कहा है कि वो कितनी देर में लिफ्ट यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँच जाएगी। टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर रही है, देखो टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेगी, 350 + 10 = 360 मीटर। अब उसकी स्पीड क्या है, स्पीड है उसकी 6 मीटर पर मिनट, ठीक है। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या हो जाएगा, फिर टाइम टेकन हो जाएगा, यहाँ पे डिस्टेंस आ गया, स्पीड आ गया, टाइम कितना आएगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस को डी से लिख रहा हूँ, स्पीड को एस से लिख रहा हूँ, तो ये आ जाएगा 360 / 6, मतलब कि 60 मिनट्स, या फिर इसको आप लिख सकते हैं 1 आवर। एक घंटे में वो पूरा का पूरा टनल नीचे तक चले जाएगा गहराई में। इसी के साथ आपका चैप्टर 1 कंप्लीट होता है। अगर किसी को कोई भी कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम हो तो टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप जाएं वहाँ पे टेलीग्राम के ग्रुप को ज्वाइन करें, आपको जो भी क्वेरी होती है वहाँ पे हमको मैसेज करें, आपकी प्रॉब्लम को नेक्स्ट वीडियो में या फिर आपको पर्सनली मैसेज करके बता दिया जाएगा कि ये कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। वैसे तो कोशिश करेंगे, अगर बहुत ही
इंपॉर्टेंट टॉपिक हुआ तो हम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर क्लियर करेंगे। अगर बहुत मामूली सा टॉपिक हुआ जो आपको नहीं समझ आ रहा है तो उसके लिए नेक्स्ट नई वीडियो कोशिश करेंगे कि नहीं बनाएंगे। वैसे तो पूरा कोशिश की जाएगा कि वीडियो आपकी बन जाए, अगर कोई भी क्वेरी होगी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी तो उसकी न्यू वीडियो बन जाएगी। ठीक है, तो ये क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। ठीक है, अगर कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो आप प्लीज़ टेलीग्राम के ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे हमें मैसेज कीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।